लेटर आया था उसी सिलसिले में अब ये दूसरा लेटर आया है। वो लेटर में खुली धमकी दी गई, फेजदूरी की मांग करी गई, पैसों की मांग करी गई, इसलिए हम पंडरीनाथ आए थे, हमारा क्षेत्र का थाना है। टीआई साहब मिले, फिर टीआई साहब ने बोला कि कोई घबराने की बात नहीं, हम कार्रवाई कर रहे, कार्रवाई चालू हो गई, हम तुम्हारे साथ हैं। लेटर में क्या लिखा हुआ है? उसमें यही पैसे की मांग है, मर्डर की खुली धमकी है, यही सब लिखा हुआ उस पर। कौन लोग हो सकते हैं? अब क्या मालूम कौन हो सकते हैं, अब मालूम रहता तो अब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। कहाँ से आया ये लेटर? ये अभी बीना लिखा है उस पर, मोहर सिल मोहर पे लिखा है, बीना से आया हुआ है। पिछली बार लेटर आया था भोपाल का था। वो भोपाल का था, ये बीना का। हाँ, ये तो सब गुमराह कर रहे हैं, यहीं के कोई है। अब टीआई साहब ने बोला है आप फिकर मत करो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, कार्रवाई चली। पैसे की मांग करी गई है, टेम पे कोई पैसा नहीं मांगा तो मर्डर की खुली धमकी दी गई है और उसमें उठाने की खुली धमकी दी गई है। क्या लग रहा है आपको ये कि असली और नकली किन्नर के बीच का विवाद? अब हमें कुछ नहीं मालूम, अभी तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि कौन है असली और नकली किन्नरों का विवाद चल रहा है। हमारे को तो कहाँ कहाँ किस पे हमारा तो अभी शक जा रहा है। आपका नाम बताओ? मेरा नाम झूमर भाई। ये नंदलालपुरा हमारे क्षेत्र में लगता है, यहाँ पर किन्नर समाज के लोग रहते हैं। आज सुबह उनके पास एक अज्ञात लेटर आया है जिसमें उनको धमकी दी गई है कि जहाँ हम पैसा बोलेंगे वहाँ आपको देना पड़ेगा। इस मामले में पूर्व में भी उनके पास एक लेटर आया था जिसपे हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और इसकी जांच की जा रही है। किस तरीके का लेटर लेटर अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, धमकी वाला लेटर है। क्या पैसे की डिमांड की गई क्या सर? हाँ, पैसे की डिमांड की, जान से मारने की धमकी नहीं, जान से मारने की धमकी नहीं। आप राकेश मोदी।